कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और टोंक से विधायक सचिन पायलट ने टोंक में शहीद स्मारक का लोकार्पण किया। शहीद स्मारक का लोकार्पण करते हुए पायलट ने कहा कि देश के युवा सेना में वेतन के लिए भर्ती नहीं होते, बल्कि देश के 140 करोड़ लोगों की रक्षा के लिए भर्ती होते। पायलट ने कहा कि सेना की वर्दी पहनकर जो खुशी और सम्मान का एहसास होता है, वो शब्दों में बयां करना संभव नहीं है। शहीद स्मारक के लोकार्पण के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए पायलट ने एनडीए सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि भले ही मोदी तीसरी बार पीएम बने हो, लेकिन ये सरकार खुलकर काम नहीं कर सकेगी। साथ ही कैबिनेट में एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं बनाए जाने के सवाल पर पायलट ने कहा कि ये कोई नई बात नहीं है, ये बीजेपी का असली चेहरा है। देश की रक्षा करते हुए कुर्बानियां दी थी, उनकी याद में हम लोगों ने स्मारक बनाया है और ये स्मारक अनेक दशकों तक, अनेक पीढ़ियों तक हमको याद दिलाएगा किस तरह लोगों ने, सैनिकों ने अपनी जान की कुर्बानी देकर हमारे देश को आबाद रखा, सुरक्षित रखा और सब लोगों की भागीदारी के साथ इस कार्यक्रम को अंजाम दिया। और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा निर्माण यहाँ पर हुआ है और टोंक शहर के लिए बड़ी शान की बात है कि पूरे जिले के जो जो हमारे पास शहीद थे, उनके परिजनों से संपर्क कर और पूर्व सैनिकों के परिवारों के साथ मिलकर इस स्मारक का निर्माण किया था और इसको आगे और विकसित करने की हमारी योजना है, उसको भी हम लोग कारगर करेंगे।